जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं इस समय भारत में चल रहे एक सबसे बड़े मुद्दे कह लीजिए, यानी कि सबसे बड़ा केस लखीमपुर खीरी केस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सभी लखीमपुर खीरी केस के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी को एक एक करके अच्छे से आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में किसान जो है लगभग 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अभी रिसेंटली एक कृषि बिल पास हुआ था जिसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कि ठीक भी है। आंदोलन करना भारत में प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अधिकार किस प्रकार से, भारत में लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यही लोकतंत्र है। और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि कोई त्रुटि होती है तो आम आदमी उसका विरोध करे और सरकार को उस कानून को बदलना होगा या उस कानून को खारिज करना होगा। यह सरकार का कर्तव्य होता है। वह जो कानून सरकार ने बनाया वह जनता तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि आम आदमी जो है कानून के बारे में इतना जानकार नहीं होता है, उसी के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं विधायक और सांसद, इनका काम ही यही होता है कि आप सभी को ये कानून को समझाएं कि ये कानून ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन आज तो इनका मतलब ही बदल चुका है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी केस के बारे में। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं वो तो हो गया, उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर हाल ही में आप सभी जानते हैं कि लखीमपुर चर्चा में आया, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जिसमें एक गांव है तिकुनिया नामक गांव। उस गांव से एक व्यक्ति हुए अजय मिश्र जी, वे पहले विधायक बने, आफ्टर दैट सांसद बने, उसके बाद उन्हें गृह राज्य मंत्री का दर्जा हाल ही में मिला है। गृह राज्य मंत्री बनने के उपलक्ष्य में तिकुनिया नामक गांव में उनके स्वागत समारोह में दंगल रखा गया, जो कि 2 अक्टूबर को रखा गया। इस दंगल में उनका आना सुनिश्चित हुआ, साथ ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कामों का शिलान्यास तथा अनावरण तथा कुछ नए कामों के शिलान्यास के लिए वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का जाना हुआ। किसान आंदोलन कर ही रहे थे, उन्होंने सोचा कि कहीं क्यों ना ऐसा किया जाए कि चलें हम अपनी बात को लखीमपुर खीरी में दो बड़े दिग्गज नेताओं के सामने रख पाए, इसीलिए किसान वहां आ रहे थे। अगले ही दिन यानी कि 3 तारीख को क्या होता है कि किसान आ रहे थे या जा रहे थे ये एग्जैक्ट बात नहीं क्लियर है, लेकिन पीछे से एक कार आई जो किसानों को रौंदते हुए चली गई। मतलब इतना भीषण एक्सीडेंट जिसका कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वह एक्सीडेंट की वीडियो में एक बार आपके लिए अपनी स्क्रीन पर प्ले कर दे रहा हूं। आप लोग सबसे पहले वो वीडियो एक बार देखिए कि कितनी भयावह यह कांड हुआ है, कितना भयावह यह कांड हुआ है, एक बार आप लोग ये देखिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसी घटना घटी, इस घटना का जो पूरा इल्जाम है वो लग रहा है श्री अजय मिश्र जी के बेटे आशीष मिश्र जी पर। कारण क्या है, क्योंकि अजय मिश्र जी ने हाल ही में अपने बयान में कहा था कि किसान जो है किसी के मोटिवेशन के थ्रू ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर यह आंदोलन जायज होता जो किसान कर रहे हैं तो यह आंदोलन अब तक बृहद रूप ले लेता, मतलब पूरे भारत में ऐसा आंदोलन अभी तक हो रहा होता। ऐसा नहीं है, मतलब ये लोग गलत आंदोलन कर रहे हैं, अजय मिश्र जी ने कहा। अगली बात में उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे जानते नहीं हो। इसका मतलब किसानों ने क्या समझा कि अजय मिश्र जी कह रहे हैं कि आप लोग मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं, बात समझ पा रहे हैं। इसी मामले को किसानों ने संज्ञान में लिया। उसके बाद क्या किया, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो यह कांड हुआ लखीमपुर में, इसका आरोप सीधा अजय मिश्र जी के बेटे आशीष मिश्र जी पर लगा दिया गया। हालांकि अजय मिश्र जी ने सफाई देते हुए कहा है कि घटना स्थल पर ना तो मैं ना ही मेरा बेटा मौजूद था, बात समझ पा रहे हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए कि आंदोलन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हमारा देश ही आज भारत बन पाया, स्वतंत्र हो पाया, जिसका नींव हमारे सत्याग्रह आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था
उसकी बेस पर ही आज हम लोग स्वतंत्र हैं, आज हम लोग अपने मन से जी रहे हैं। सत्याग्रह जैसा बड़ा आंदोलन ना होता तो आज भारत जो है हमारा आजाद ना हुआ होता। हमारे गांधी जी ने हमें सिखाया अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही हम लोगों का धर्म होना चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो आज भारत देश भी तालिबान होता, जहां पर सरकार के खिलाफ आम जनता ने बंदूक उठाकर और सरकार को हराकर सरकार खुद बन गया, आम जनता जाके सरकार बनी है। जहां पर आप सभी ने जीता जागता प्रमाण इस बात का देखा है, भारत में अभी भी लोग सरकार के खिलाफ बंदूक अगर नहीं उठा रहे हैं, आंदोलन करके अपनी मांगों को मांगते हैं, तो ये ठीक है, कहीं ना कहीं गलत नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि इससे किसी आम जनता को नुकसान न पहुंचे किसी भी प्रकार के आंदोलन से, वहां पर आंदोलन गलत हो जाता है। अगली बात अगर कही जाए कि आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन ये जो घटना हुई जिस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए भारत में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को उसके खुद के फैसले पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला अभी तक कहा था कि हमने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। स्वतः संज्ञान में लेने से मेरा तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही थी स्वतः संज्ञान में, जैसे कि भारत को कोई मामला जब बड़ा होने लगता है तब सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुना सकती है। फैसला जब सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी तो उसको भारत के प्रत्येक कोने में मान्य होगा वो फैसला, कोई इंकार उस फैसले से नहीं कर सकता है। लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को स्वतः संज्ञान में नहीं ले रहे थे, ये जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। नेक्स्ट बात, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए, जिम्मेदार बनिए। अभी तक आपने इतने बड़े मामले के ऊपर ना तो एक जांच कमेटी बैठाई, ना तो आरोपी को गिरफ्तार करवाया गया। आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा, इस मामले की तह तक जाना होगा और पूरी की पूरी जांच कर सुनवाई करनी होगी। हालांकि यह मामला अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल बन चुका है, क्योंकि द प्रिंट नामक एक पत्रिका में एक यह बात छपी कि पीएम मोदी साइलेंट क्यों है लखीमपुर खीरी केस पर। पीएम मोदी जी का कोई भी बयान इस केस में नहीं आया है, इसीलिए यह इंटरनेशनल मामला जो है प्रिंट में, द प्रिंट पत्रिका नामक में संपादित हुआ कि पीएम मोदी ने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं बोला है। हालांकि कंपेंसिनेट के थ्रू सभी मृतक परिवारों को 45-45 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा सरकार द्वारा किया गया है। तो आशा करता हूं लखीमपुर खीरी केस में जो भी मामला रहा वो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय।